नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई कोचिंग की छोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एसडी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका लाभ हानि वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 6 क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज लगभग इस चैप्टर को हम कोशिश ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को लाभ हानि सही में पढ़ना है तो वो इसकी सारी क्लासें देखें तो तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि जैसा 6 क्लास आप इसे देख रहे हो तो भी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे तो समझ आने का नहीं है। पहले पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सारी क्लासें आप देखें तो समझ आ जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके देख लें, सभी क्लासें वहाँ मिल जाएंगी आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। और आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन जो हैं इसमें आपके पहले हो चुके हैं, विविध बचे हुए हैं। तो विविध क्वेश्चन में थोड़े से टफ तो होंगे, पर मैं आपको करा रहा हूं, देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 168 पे आ जाएं। 168 इसमें क्या है, किरसन के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से एक्स को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होता है, तो एक्स का मान आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो तीन जगह टूट रहा है, एक्स संतरे, शेष संतरे और टोटल। एक्स संतरों पे उसे 10% का लाभ होता है, शेष पे उसे 10% की हानि होती है और टोटल पे उसे 5% का लाभ। जब इस तरह क्वेश्चन तीन जगह टूटता है तो उस क्वेश्चन को मिश्रण से करना मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। दो हिस्से और उनका टोटल दे रखा हो, तो इसे तो मिश्रण से करेंगे। तो टोटल संतरे तो 12 हैं, तो इसमें इसने x दिए कितने, x संतरे। अब टोटल कितने हैं, 12। तो 12 में से अगर x निकाल दिया तो शेष कितने बचेंगे, तो शेष बचेंगे 12 माइनस x बचेंगे शेष, ठीक। अब ये जो x है, ये वाले संतरे और ये 12 माइनस x, तो पहले जो x संतरे इन पे क्या हुआ है, इसे 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ। और जो शेष है इन पे 10% की हानि, हानि के लिए माइनस ले लेंगे। और टोटल पे क्या हुआ है, इसे 5% का लाभ हुआ है, 5% का क्या हुआ है इसे लाभ। अब मिश्रण लगा दें, तो मिश्रण कैसे लगाते हैं, इसका और इसके अंतर को तो यहाँ लिखते हैं और इसके और इसके अंतर को यहाँ पे लिखते हैं। तो माइनस 10 और प्लस 5 में कितने का अंतर हो जाएगा, 15 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ तो 15 आ गया है अनुपात, यहाँ भी 10 है और यहाँ प्लस 5 ही है, प्लस 10 और प्लस 5, तो अंतर कितने का हो जाएगा, 5 का। तो 5 तीन 15 और 5 ही कम 5, तो ये हो गया है 3:1 इसमें आपका हो गया है। अब ये आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो x का मान इसने आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो x का मान कैसे हम निकालेंगे, इसने टोटल संतरे कितने 12 हैं और यहाँ टोटल कितना है 4, तो 4 बराबर 12, और बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, तो 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 4 3 12। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो ये x का मान पूछ रहा है, तो x तो इधर ही है ना, और इधर का मान कितना 3, तो आप 3 निकाल दें, 3 बराबर कितना होगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 169, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 169 पे आप आ जाए, ठीक। इसमें है ए बी सी तथा डी ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा, उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, तो ए ने दूसरों की आधी, तो ए से फिर दूसरे कौन बचेंगे, बी सी और डी, दूसरों की आधी। देखो आधा कितना होता है, 1/2, और ये भिन्न है, और भिन्न से पहले का सी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो इसने कहा ए ने दूसरों की आधी, दूसरों की, तो की दूसरों के लिए लग रहा है, तो दूसरों ने 2 रुपये दिए, तो ए ने कितना दिया है, 1 रुपया। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन नंबर 169 है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर मैं आपको बताता हूँ, ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, तो बी सी डी तो यहाँ दूसरे हो गए, तो ए ने दूसरों की आधी दी है, दूसरों की आधी, और आधी होता है 1/2, तो की किसके लिए लगा, दूसरों के लिए, तो बी सी डी 2 हो जाएगा और ए 1, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हो गया है, ये 3,
और टोटल उपहार कितने का है 60 रुपए का, तो यहाँ से एक निकाल दे तो ये कितना जाएगा 20, तो एक किसका हिस्सा था, एक का, तो ए ने तो 20 रुपए दिए हैं। ठीक, अब ऐसे ही बी के लिए कहा गया, ऐसे ही सी के लिए कहा गया है। इसमें फिर आगे बोला गया है बी ने दूसरों की एक तिहाई, दूसरों की एक तिहाई, तो दूसरों ने तीन दिए, बी ने, तो इस तरह बनाएंगे बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी, एक तिहाई कहा गया है तो ये हो जाएगा 3 और 1 और जुड़ के ये कितना हो गया 4 और कितने दिए हैं 60, तो 1 = 15 आ जाएगा, 15 × 60, तो ये हिस्सा आ चुका है बी का। अब इसी तरह सी के लिए भी कहा गया है, सी के लिए क्या कहा गया है, सी ने दूसरों का 1/4 भाग अदा करा है, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी, 1/4, तो 1:4, तो ये जुड़ के कितने हुए हैं 5 और टोटल उपहार कितने का था 60 का, तो 1 = कितना आ गया 12। अब ये किसका हिस्सा आ गया, सी का। अब करना क्या है, वो ये पूछ रहा है कि डी ने कितने रुपए दिए हैं, यही पूछा गया है, डी ने कुल कितनी कीमत अदा की है, तो इन तीनों का हिस्सा तो आ चुका है, ए का, बी का और सी का, इन्हें जोड़ के टोटल उपहार 60 रुपए का, 60 में से घटा दें तो आंसर आ जाएगा आपका, तो 20 और 15 और 12 इन्हें जोड़ लें आप और इसे 60 में से घटा दें, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 और 5 = 7 और 1 और 1 = 2 और 2 = 4 = 47 हो गया, और टोटल उपहार 60 रुपए का था तो 60 में से इसे हटा दें, तो 10 में 7 = 3 और 5 में से 4 = 1, तो 13 रुपये। ठीक है, कितने रुपए, 13 रुपये अदा करें किसने, डी ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन है ये, बड़े तो होंगे ही आज, थोड़ा ध्यान देना है आपको। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 170। अब 170 में क्या है, एक व्यक्ति 3 गायें और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता, 3 गायें और 8 बकरियां, तो 3 cow और 8 goat, गोट में से बकरी होता है, कितने की खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 47,200 की। ठीक है, अब इससे आगे फिर क्या कहा गया है, यदि उसने 8 गाय और 3 बकरी खरीदी होती, 8 गाय और 3 बकरी खरीदी होती है ना, तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसने 53,000 में खरीद लेगा इतनी, वो ही कह रहा 53,000 रुपये और देने होते। 47,200 तो दे चुका है, पर कितनी, 3 गाय और 8 बकरियों का, पर वो ये कह रहा अगर वो 8 गाय और 3 बकरी खरीदता तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। कहने का मतलब है 8 गाय और 3 बकरी कितने की हो जाएंगी, ये जोड़ना होगा तुम्हें 53,000 और 47,200, तो 0, 0, 2, 7, 3, 10, 5, 4, 9 और 1, 10। ठीक है, 53,000 और देने हो, तर 47,200 वो पहले दे चुका है, 0, 0, 2, 7, 3, 10, 4, 5, 9 और 1, 10, तो ये हो जाएगा आपका इतना 1,200,000, 1,000,200। ठीक है, अब तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन सोल्व करनी होगी, जैसे कक्षा 9-10 में करते हैं एक्स और वाई वाली इक्वेशन जो होती है, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। आप ये देख लें किसकी वैल्यू बूझ रहा है ये, तो इसमें इसने हमसे क्या बूझ लिया है, 170 की जगह ये 171 क्वेश्चन उतर गया है, तो अब तो कर दिया है तो इसे 171 कर लें, कितना कर लें इसे 171 क्वेश्चन आ गया है ये गलती से, चलो 171 ही देख लेते हैं। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य क्या है, तो हमें सी निकालना है, तो भैया ये जो जी है इनके गुणांक बराबर कर लेते हैं, जिन स्टूडेंटों ने 9वीं 10वीं में इक्वेशन सोल्व करनी है सीखी होंगी उन्हें समझ आ जाएगा। अगर हमें ये निकालना है तो इसे कैंसिल करें, तो यहाँ 3 की गुणा और यहाँ 8 की गुणा कर लें इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में तो कर लें 3 की गुणा और इस वाली इक्वेशन में कर दें कितने की गुणा 8 की गुणा। ठीक है, और इन्हें लिख लें आगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक, तो कर लें पूरी में ही करना है ये, है ना, पूरी इक्वेशन में ऐसे करके, तो 3 × 9 और 3 × 8 = 24। ठीक है,
जीरो जीरो, तीन दूनी छः, तीन सत्ते इक्कीस को एक दो, तीन चौक बारह है और दो चौक दो, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। और इसमें आठ की करें तो आठ अट्ठे चौंसठ और आठ तिया चौबीस और जीरो जीरो आठ दूनी सोलह और जीरो और आठ एकम आठ, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन्हें घटा दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस के बचेंगे, कितने पचपन बच जाएंगे, चौंसठ में से नौ जाएंगे, तो माइनस के पचपन इधर बचे हैं, पचपन सी सी मिस पाओ, और इधर भी माइनस के बचेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, तो दो जीरो तो ऐसी आ गई, छः में से छः गया जीरो और एक में से एक गया जीरो और दस में से चार गए तो छः बचेगा, यहाँ सात सात में से एक गया छः, तो ये भी माइनस के, तो माइनस से तो माइनस, ठीक है। अब या तो 11 से काट लें या डायरेक्ट 55 से काट लें, है ना, तो 11 से अगर काटते हैं तो 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, एक दो तीन चार, अब 5 से काट दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 ही कम 5, बचे कितने एक हो गए 10, 5 दूनी 10, तो 12,000 की है एक गाय, ठीक है। ये इसका आंसर थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चन है, विविध के क्वेश्चन आज इस तरह ही आपको देखने होंगे। आगे आ जाए, एक सौ सत्तर का क्वेश्चन देख लें, वो गलती से छूट गया, 170 क्वेश्चन नंबर 170 पे आ जाए। इसमें क्या है, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारियों को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। जैसे सपोज करें आपकी कोई दुकान है और आप किसी शहर से जहाँ पे वो वस्तु बनती है वहीं से आप डायरेक्ट लेके आते हैं, तो वहाँ से आपको 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर मिल जाती हैं। आप सपोज करें एक वस्तु का अंकित मूल्य एक रुपये है, तो 12 वस्तुओं का अंकित मूल्य 12 रुपये हो जाएगा, पर उसने आपको 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर मतलब 9 रुपये में दे दी। 12 वस्तुएं कितने में दे दी, 9 रुपये में, पर हर वस्तु पे या हर बुक पे एक रुपया लिखा हुआ था। आपने क्या काम करा, बेचता, यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर ही बेचे और आपने आके वो अंकित मूल्य पर ही बेच दी एक एक रुपये की, तो 12 वस्तुएं 12 रुपये की बेच दी और ख़रीद के कितने की लाए आप 12 वस्तुएं 9 रुपये की, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 3 का फ़ायदा हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 3 का, किस पे 9 पे, लागत आपकी तो 9 रुपये लगे थे, तो 3 बटे 9 तो 1 बटे 3, तो 33 से 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 3 बटे 9 और 1 बटे 3, तो ये कितना हो जाएगा 33 से ही 1/3% इसका आंसर, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 172, क्योंकि 171 तो हो चुका है। 172 में क्या है, ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, 1/5 कितना होता है 20%, तो लागत से 20% अधिक पर बेचता है, उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार यदि सी उसे 600 में बेचे तो इस पर अपनी लागत की 1/6 हानि हुई, तो ए का लागत मूल्य कितना है। तो आप क्या काम करें, ये मान लें ए का लागत मूल्य 100 रुपये है और ए इसे 1/5 लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसका 1/5 तो 20 ही हो जाएगा ना सुखा, तो 20 रुपये फालतू लेके उसने बी को बेच दिया इसे कितने में, 120 पे, तो ये बी पे पहुंच चुकी है। अब बी ने क्या काम करा है, बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है बी, तो इसका 20% निकालना है, तो पहले 10% निकालेंगे तो इसका 10% तो हो जाएगा 12, क्योंकि जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की जीरो हटा देते हैं, तो 20% हो जाएगा 24, तो 24 रुपये फालतू में बी ने सी को बेच दिया, तो ये कितने रुपए में बिक चुकी है, 144 रुपए में, अब सी पे पहुंच चुकी है। अब देखो यहाँ है थोड़ी सी प्रॉब्लम, यदि सी उसे 600 रुपये में बेचे, कितने रुपये में बेचे सी उसे, 600 रुपये में, तो उसे इस पर अपनी लागत की 1/6 हानि होती है, अपनी लागत की 1/6 हानि, अपनी लागत 144 है, अपनी लागत कितनी है 144, तो 144 का 1/6 हानि हो रही है, तो 6 से आप इसे काट लें, 6 दुनी 12, बचे कितने 2, 24, 6 चौक 24, तो कितने की इसे हानि हो रही है, 24 रुपये की इसे हानि हो रही है, ठीक है। तो इसका लागत फिर कितना होगा, 24 रुपये इसका फालतू होगा, इसका लागत जो होगा जो भी होगा
क्योंकि एक बटे छः उसे अपनी लागत की एक बटे छः हानि हुई है, तो ए का लागत मूल्य बूझ रहा है और सी कितने में बेच रहा है उसे 600 रुपये में बेच रहा है ना, तो 24 रुपये कम में बेच रहा है। खरीदी कितनी थी सी ने, 144 रुपये में खरीदी थी और अपनी लागत का एक बटे छः हानि पर बेच रहा है, तो हमने निकाल के देख लिया 144 का एक बटे छः कितना 24, तो 24 रुपये कम में बेच रहा है, 24 रुपये कम में, तो 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, तो 120 में बेच रहा हमारे अकॉर्डिंग, जबकि किताब वाले के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है 600 में। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, 0 से 0 और 12 पंजे 60। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है तो वो एक की लागत पूछ रहा, तो एक की लागत कितनी थी 100, तो दोनों तरफ जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 पे आ जाए, 173। इसमें क्या है, एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। देखो 50 केजी जो आम है वो 22 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब एक किलोग्राम 22 के, तो 50 किलोग्राम कितने के हो जाएंगे, 0 तो लास्ट के ऐसी यानी 2 × 5 = 10 की 0, 2 × 5 = 10 और 11, इतने रुपए के खरीदे 50 किलो आम 22 के रेट में। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, कुछ आम। अब हमें क्या पता कितने 30 के हिसाब से बेचे हैं, और जब शेष तो तभी बताएंगे जब ये बताओ 30 वाले कितने बेचे हैं, है ना, तो हमें नहीं पता कितने 30 के रेट में बेचे हैं और कितने 20 के रेट में। तदनुसार यदि उसे कुल लाभ 20% प्राप्त किया हो, उसने कुल लाभ 20% लाभ प्राप्त करा कुल लाभ, तो वो खरीद के कितने लाया 1100, तो 1100 का 20% निकाल के 1100 में जोड़ दो तो ये पता चल जाएगा उसने कितने में बेचे हैं टोटल आम, तो 1100 का, क्योंकि कुल लाभ उसे 20% है, तो आप इसका डायरेक्ट 120% निकाल दें तो फिर जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो तो आपकी कैंसिल ही हो जाएंगी, ठीक है, तो 12 जीरो तो 0 ही हो जाएगा और 12 × 12 को तो हाँ से ले, 12 × 12 और 1 13, तो उसने जो 1100 रुपये में आम खरीद के लाया था 50 केजी, उनमें कुछ 30 और कुछ 20 के रेट में बेचे हैं और कितने में बेच दिए 1320 में, क्योंकि कुल लाभ उसने 20% प्राप्त करा है ना, तो कुल 1320 में बेचे हैं उसने वो सब। अब उनमें से कुछ तो 30 के रेट में बेचे और कुछ 20 के रेट में, अब हमसे क्या बूझ रहा है, कौन से वाला बूझ रहा है, उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे, ये पूरा कॉन्सेप्ट है 20 वाला बूझ रहा है ना, तो आप ये मान लो उसने सबको 30 के रेट में, जिसको बूझता है उससे दूसरे वाले को सब मान लेते हैं कि उसने सब 30 के रेट में बेचे हैं, तो टोटल आम कितने थे 50 केजी थे और हमने ये मान लिया 30 के हिसाब से उसने बेच दिए, तो कितने में बिकेंगे, तो 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी और 3 × 5 = 15, तो 1500 में बिकेंगे, तब की बिके इतने में है क्योंकि 1100 में खरीद कर लाया और उसने कुल 20% लाभ प्राप्त करा उन पे बेचने के बाद, तो ये सही है या ये, तो सही तो यही है। अब अच्छे ये गलत क्यों है, क्योंकि इसने जो 50 केजी आम थे इनमें से कुछ तो 30 के रेट में बेचे हैं और कुछ 20 के रेट में बेचे हैं, पर हमने क्या काम करा, हमने सारे के सारे, क्योंकि 20 वालों का बूझ रहा ना कितने बेचे हैं, सारे के सारे 50 के 50 केजी 30 के रेट से मान लिए, तो इसलिए ये फालतू आ रहा। अब ये जितना भी फालतू आ रहा है, 0 और 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गया 180 रुपये फालतू आ रहे हैं, तो ये वही हैं जो 30 वाले 20 वाले 30 के रेट के मान लिए हैं, ये 180 रुपये इसलिए फालतू आए हैं क्योंकि जो 20 वाले भी 30 के वाले उनके, तो भैया आप इसे डिवाइड कर दें तो ये कितने फालतू माने गए हैं पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये, क्योंकि एक कुछ आम तो 30 के रेट के थे और कुछ 20 के रेट के थे, तो कुछ 20 वाले भी 30 मान लिए, तो वो कितने फालतू माने 10 रुपये, तो 10 से आप इसे डिवाइड कर दें पता चल जाएगा, जब 10 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो 18 केजी आम थे 20 वाले, ठीक है, देख लेना एक नया तरीका है ये थोड़ा सा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 174 में,
हाँ ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आज थोड़े से टफ ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, देख लेना ध्यान से। 74 इसमें कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। लागत मूल्य से 50% अधिक है फोन अंकित मूल्य। अंततः अंकित मूल्य में 20% वृद्धि करने पर बिक्री मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य कितना है 300, अंकित मूल्य कितना है 300 है। अब इसने शुरू में ये कहा था कि लागत का, लागत से कितना अधिक है अंकित मूल्य 50% अधिक है, तो लागत का 50% निकाल के लागत में जोड़ दो तो लागत अंकित आ जाएगा, या लागत का डायरेक्ट 150% निकाल दो तो अंकित आ जाएगा। ठीक है, तो लागत का 150% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, और ये कितना है अंकित का है, ये अंकित मूल्य बराबर क्या है लागत का 150%, और अंकित मूल्य उसने दिया आपको 300। तो यहाँ से आप अंकित मूल्य तो दिया गया है, लागत निकाल लेंगे। ठीक, तो करना क्या है, ये जीरो तो आपकी कैंसिल हो गई है और 15 × 2 = 30, तो यहाँ से CP जो आपका आएगा वो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200, ये CP1 मान लें, और MP1 उसने आपको दिया ही था, कितना दिया था 300 दिया था, है ना। अच्छा, SP आपसे पूछ रहा, तो SP आप मान लें विक्रय मूल्य X, तो यहाँ से लाभ कितना है, तो लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है SP माइनस CP होता है, तो SP माइनस CP। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20% बढ़ा दिए हैं, तो लाभ दुगना हो गया है। तो भैया अब फिर दोबारा से लाभ निकालना होगा, तो अंकित मूल्य कितना है इसका 300 से तो छोड़ दें, विक्रय मूल्य कितना X, तो X 20% बढ़ाया है तो इसका 120% निकाल दो आपका, 120% हटाने के लिए बटे में 100, तो ये 100 लोगे कितना आ जाएगा 20 × 120 और 20 × 5 = 100, तो 6x/5 ये क्या आ चुका है आपका SP2 आ चुका है, विक्रय मूल्य दूसरा। तो अब लाभ क्या होता है, तो लाभ बराबर तो यही होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और क्रय तो वही है 200 का 200। ठीक है, अब वो कंडीशन लगा दे जो इसने कही है, देखिए लाभ दुगना हो चुका है, तो पहला लाभ कितना था x - 200, और अब जो लाभ है ये कितना है 6x/5 - 200। हमने रखा है बराबर, जबकि ये बराबर नहीं है, ये दुगना है इससे, तो इधर 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो 2x - 400 = 6x - 1000/5। 5 की इधर गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10x और 5 × 20 2000 = 6x - 1000। अब ये 6x आगे इसमें से घट जाएंगे तो इधर तो 4x बचेंगे, और ये 2000 उधर जाके प्लस के और 1000 माइनस के हैं, तो 1000 बच गए, कितने बच गए हैं 1000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8, बचे 2 हो गए 20, 4 × 5 = 20, तो 250 आएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई और इलाज है नहीं, तो ये तो इस तरह ही आपको देखना होगा। ठीक है, 75 पे आ जाए, 175 पे, 174 था, 175वें क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें क्या है, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी, मूल कीमत की, तो एक काम करें आप मूल कीमत 100 मान लें, 5% कम कर देकर खरीदी, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी, तो इसका 5% तो 5 ही होगा, 5 रुपये कम लेके 95 रुपये ने ए में खरीद लिए, 95 रुपये में। ठीक, अब इससे आगे क्या बोला गया है, ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेच दी, 95 का 20% निकाल लें तो 10% तो 9.5 हो जाएगा, और 20% दुगना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 18 = 19, तो 19 रुपये फालतू में बेच दिए ने, तो 9 × 5 = 14, 9 × 1 = 10 और 1 = 11, तो 114 रुपये में बेच दी है इसने। ए ने किसको बेची है, बी को बेची होगी, बी तो नहीं दिया है, 20% लाभ लेकर बेच दी, तदनुसार ए को
उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अब देखो मूल कीमत तो 100 थी और 114 में उसने बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ है 14 का। 100 पे बटे 100 और गुणा 100, तो 14% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए आप 176 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 176। अब इसमें क्या है, 176 में है राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर और 60 आम 10% लाभ पर और 70 आम 10% हानि पर बेचे, तदनुसार उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। आप ये मान लें एक आम 1 रुपये का, तो 200 आम 200 रुपये के हो गए, तो लागत तो हो चुकी है 200। अब उसने 30 आम 25% लाभ पर बेच दिए, तो 30 आम 30 रुपये के, तो 30 का 25% आप यहाँ से निकाल लें, लाभ निकाल लें बस। तो जिसका भी 30-25% निकालना होता है उसे 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 7 28 बचे 2 हो गए 20, 4 5 20, तो 7.5 रुपये का लाभ तो उसे यहाँ हो चुका है। और 40 आम 20% लाभ पर, तो 40 का 20% आप निकालें, तो जिस 20% निकालेंगे तो इसका पहले 10% 4, तो 20% कितना हो गया 8, तो 8 रुपये का लाभ उसे यहाँ पे हो चुका है। और इससे आगे जो है उसने 60 आम 10% लाभ पर बेचे हैं, 60 आम कितने पे बेचे हैं 10% लाभ पे, तो कितने 6 रुपये का लाभ उसे यहाँ पे हो चुका है। अब ये हो कितने गए, 60 और 40 100 और 130 हो गए, तो शेष कितने बच गए 70। फिर आगे क्या बोला गया है, और 70 आम 10% हानि पर बेच दिए, तो एक आम 1 रुपये का, तो 70 जो है 10% हानि पर उसने बेचे हैं, तो 7 रुपये की उसे हो चुकी है हानि। ठीक, तो फाइनली तो उसे लाभ ही होगा, क्योंकि 7 और 8 15 और 6 कितने हो गए हैं 21, 21.5 रुपये का लाभ हो रहा है और 7 रुपये का उसे लॉस हो रहा है, तो 21 में से 7 घटा देंगे, सीधी सी बात है ना, तो 14.5 रुपये का फिर भी उसे लाभ ही हो जाएगा, 14.5 का उसे फिर भी लाभ ही होगा। तो वो ये कह रहा कितने परसेंट लाभ होगा, तो इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को उसमें से इसे घटा देना आप, तो लाभ बच जाएगा, तो 14.5 का लाभ हो रहा है किस पे, 200 रुपये पे, क्योंकि टोटल आम तो 200 के थे, है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इस पॉइंट से ये 0 तो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 20 से भाग कर लें, वैसे आप इसे कितने से भाग कर लें 20 से, तो 20 सत्ते कितने होते हैं 140 और बचे कितने 5, तो 7 सही 5/20, तो 5 × 5 और 5 × 20, तो ये कितना हो गया है 7 सही 1/4% लाभ इसका आंसर हो चुका है। इससे आगे बढ़ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 176 पर आ जाए, 176 पर, क्वेश्चन नंबर 176, इसमें क्या कहा गया है राहुल, 176 नहीं नहीं 176 तो हो गया, 177 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 177, इसमें क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, सपोज करो आपने कोई वस्तु 100 रुपये में बेच दी है और 20% की आपको हानि हो रही है, 100 रुपये में बेचने पर आपको 20% की हानि हो रही है, तो वह वस्तु कितने की होगी, 120 की होगी, वो कितने की होगी 120 की। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर 20% हानि, लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि होगी, तो ये लागत मूल्य पर हानि परसेंट बोझ रहा है, तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि बटे लागत, तो लागत तो 120 ही है ना, तो 20 × 120, तो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी, या आप 1/6 में 100 की गुणा कर लें, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इसका तो ये छोटा सा हो गया है। 178 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 178, अब 178 में क्या है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया 6 रुपये से बढ़ के। ठीक है, तो कितने की वृद्धि होगी, 1.50 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक, अब ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो कमी परसेंट बोझ रहा है, तो कमी परसेंट कैसे निकालते हैं, उनका अंतर तो ऊपर रखते हैं और बटे में बड़ा वाला छोड़ नीचे रखते हैं, और अगर वृद्धि परसेंट पूछता तो तब भी ऊपर तो अंतर ही आता है इन दोनों का, और बटे में फिर छोटा वाला आ जाता है, उल्टा आता है,
तो कमी परसेंट पूछ रहा है, तो बटे में इन दोनों में से बड़ा वाला आ जाएगा, तो 7.50 है ना। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट और इससे ये, तो 15 पंजे 75 और 1/5 कितना होता है 20%। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। 179 में आ जाए क्वेश्चन नंबर 179। थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, पर आप देखें मैं समझाता हूँ आपको। कॉफ़ी पाउडरों के एक पैकेट और एक लीटर दूध की लागत क्रम से 20 रुपये और 30 रुपये। कॉफ़ी का एक पैकेट 20 रुपये का है और एक लीटर दूध 30 रुपये का है। कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट में 10 कॉफ़ी बन सकती हैं। वो जो 20 रुपये का कॉफ़ी का पैकेट है उसमें 10 कप कॉफ़ी बन सकती है और प्रत्येक कप में 200 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल होता है ना। तदनुसार यदि उसे कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना होगा। तो एक काम करें आप, एक पैकेट में कितनी कॉफ़ी बन सकती है 10, तो 10 कप चाय तैयार कर लें आप। कितने कप चाय तैयार कर लें 10 कप। तो जब 10 कप आपको चाय तैयार करनी होगी तो 20 रुपये की तो आपकी लग जाएगी कॉफ़ी। अब आप ये पता लगा लें कि दूध कितना लगेगा। तो उसने बताया है कि एक कप कॉफ़ी में 200 मिलीलीटर दूध लगेगा, तो 10 में कितना लगेगा, जब एक में कितना लग रहा है 200 मिलीलीटर दूध, तो 10 में कितना लगेगा 2000 मिलीलीटर दूध, है ना। अब 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 2000 मिलीलीटर में 2 लीटर दूध हो जाएगा। ये मिलीलीटर है, हाँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 लीटर के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1 लीटर दूध कितने का 30 रुपये का, तो 2 लीटर दूध कितने का हो जाएगा 60 रुपये का। तो उसका जो कुल खर्चा आ रहा है 80 रुपये आ रहा है। 10 कप कॉफी तैयार करने में खर्चा कितने रुपए का आ रहा है 80 रुपये, और उसे लाभ कितना चाहिए 25%। तो इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दो, या इसका डायरेक्ट 125%, तो 25% निकाल लो। जिसका 25% निकालना होता 4 से भाग, तो 20 रुपये उसे लाभ भी चाहिए, तो उसे जो है 100 रुपये में 10 कप कॉफी बेचनी है। तो एक कप कितने का बेचेगा, तो 10 से डिवाइड कर दें 10 रुपये का बेचेगा। 10 से इसे क्या कर दें आप, डिवाइड कर दें, तो कितने का बेचेगा 10 रुपये का। ठीक है दोस्तों, समझ लेना आप इसे। क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाएं, 180 क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाएं आप। इसमें क्या है, 8 बाल्टी और 5 मगों की कुल लागत 92 है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। और 5 बाल्टी और 8 मगों की कुल लागत 77, चलो कराने तो हैं। तो 8 बाल्टी, तो बाल्टी को बी लिख रहा हूँ मैं, तो 8B और 5 मग, मग को एम लिख रहा हूँ, कि कीमत कितनी है 92 रुपये। ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान। इससे आगे 5 बाल्टियों और 8 मगों की कीमत कितनी है, 77 रुपये। ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है 2 मग और 3 बाल्टियों की लागत कितनी होगी। तो भैया 1 मग और 1 बाल्टी की कीमत पहले आपको निकालनी होगी, तभी ये होगा। ये तो इक्वेशन सोल्व करनी होगी, तो या तो इन्हें बराबर कर ले या इन्हें, ठीक है, किसी को भी बराबर कर ले। चलो इन्हें बराबर कर लेते हैं, तो इसमें तो कर दें 8 से गुणा और इसमें कर दें 5 से गुणा, तो 8×8=64 और 8×5=40 और 8×2=16 को 6×1, 8×9=72 और 1×73। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहाँ 5×5=25 और 5×8=40, 5×7=35, 5×7=35 और 3×38। ठीक, ये इक्वेशन दो, इन्हें आप माइनस कर लें, तो ये तो कैंसिल हो गया है, और 14 में से 5 गए तो 9 और 5 में से 2 गए तो 3, है ना। 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3,
तो इतनी बाल्टी बराबर। अब इधर जो है घटाने छः में से पाँच गया एक, तेहरे में से आठ गए तो पाँच, और छः में से तीन गए तो तीन, ठीक, तो बी बराबर। अब आप ये देख लें इससे कितनी बार ये कैंसिल हो सकता है। देखो 9 × 81 को एक हासिल आठ, 9 × 27 और आठ कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, तो ये इससे 9 बार कैंसिल होगा, तो एक बाल्टी का तो मूल्य आ गया 9 रुपये। अब एक मक्का और निकाल लें, तो इसकी वैल्यू रख दें आप, या तो इसमें रख लें या इसमें रख लें, ठीक है, तो इसी में रख लेते हैं, यहाँ बी की जगह आप 9 रख दें, तो 8 × 9 कितने हो जाएंगे 72 प्लस 5 × 2 बराबर 92। अब ये उधर जाके माइनस होंगे, 5 × 2 = 2, तो 2 में से 2 गया तो 0 और 9 में से 7 गया तो 2, तो m बराबर कितना आ चुका है 5 × 4 = 20 = 4 रुपये, ठीक है। तो एक मग 4 रुपये का है और एक बाल्टी 9 रुपये की। अब किस किस के बूझे हैं इसने आप चेक कर लें, इसमें 180वां क्वेश्चन है, दो तो मग बूझ रहा है, तो एक मग कितने का 4 रुपये का, तो 2 मग 8 रुपये के हो जाएंगे, और 3 बाल्टी बूझ रहा है, एक बाल्टी 9 रुपये की तो 3 बाल्टी 27 रुपये की, तो 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35, तो 35 रुपये इसका आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल प्योर बेसिक क्वेश्चन लगा रखे हैं पता नहीं क्यों। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 181 पर आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 181। इसमें है एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से, 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है, और उतनी ही टॉफियां 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है, 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है, ठीक। अब देखो दोनों जगह खरीदना ही खरीदना है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट रुपये वस्तु पर इसमें नहीं लग सकता अभी, क्योंकि मैंने कहा था एक बार खरीदना और एक बार बेचना होना चाहिए, पहले खरीदना बाद में बेचना, जब रुपये वस्तु लगता है, तो अभी तो इतना ही है ये, और उन सबको 3 रुपये की 5 की दर से बेचता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो रुपये वस्तु जब लगता है, जब एक बार खरीदना और एक बार बेचना, तो इसे करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इन दोनों का लिया एलसीएम, तो ये जो एलसीएम है 6, हमने ये मान लिया उसने ये वाली टोपी भी 6 खरीदी और ये वाली भी। अब ये वाली जो टोपी है ये 2 रुपये की 1 है, 2 टोपी 1 रुपये की है, तो 6 टोपी कितने की हो जाएंगी, 3 रुपये की हो जाएंगी, 6 टोपी कितने की हो जाएंगी, 3 रुपये की, इससे इसे भाग करो और उसकी इसमें होना 3 × 2 = 6 तो 2 × 2 = 4, हिसाब लगाना है 4 रुपये की, तो उसने कितने रुपए में खरीदनी है 7 रुपये में, कितनी टोपी 6 तो ये वाली और 6 ये वाली, 12 टोपी कितने की है 7 की खरीदी है। अब रुपये वस्तु लगा सकते हो आप, रुपये वस्तु 7 रुपये में खरीदी है 12, और उन्हें किस रेट में वो बेचना चाह रहा है, इन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपये में 5 की दर से, तो वही है अंदर अंदर वालों के गुना 12 × 36 और माइनस बाहर बाहर वालों के गुना, तो 5 × 7 = 35 और बटे में ये बाहर वाला ही आता है, और परसेंटेज लाने के लिए गुना 100 हम इसमें करते हैं, ठीक है, तो 1/35 बचेगा, 1/35 गुना 100, तो 5 × 7 = 35 और 5 से कितनी बार 20 बार, और 20 को आप काट लें तो 7 × 2 = 14, तो बचा कितना 6, तो 2 सही 6/7% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें जो है लाभ इसका आंसर आएगा क्योंकि हानि भी इसने लगा रखा है, ठीक। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर आ जाए, 182 क्वेश्चन नंबर 182, इसमें क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त करता है, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से जितने में उसने बेचा है उसमें से उसने अपना व्यापारिक खर्च घटा दिया 40%, घटाकर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, कर लेता, तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप एक काम करें, ये मान लें कि उसका लागत मूल्य 100 रुपये है, लागत मूल्य कितना है उसका 100 रुपये है, अब लाभ और हानि तो लागत पर डिपेंड होते, तो उसे लाभ कितना हो रहा है फाइनली 20%, तो 100 का 20% कितना 20, तो 120 में वो फाइनली बिक रही है, अब वो 120 में कब बिक रही है,
जब उसने इसमें से क्या घटा दिया 40% अपना व्यापारिक खर्च, तो ये जो 120 है ना, ये विक्रय मूल्य हो चुका है। विक्रय मूल्य किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के। तो खर्च घटा रहा है तो परसेंटेज घटा के, तो 40% में से जाएगा तो 60% के बराबर हो गया ये। तो 1% बराबर दो, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा इसमें आपका 200 हो जाएगा, है ना। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक, 100 बराबर कितना है इसमें आपका? ये 200 हो चुका है। पर ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि उसका लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका विक्रय है और ये लागत है, ये सीपी है और ये एसपी है। तो इनका डिफरेंस आप निकाल दें तो कितना अधिक है? ये 100। और कहाँ से बटे 100 गुना 100, तो 100% ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएं 183 पे। कितने क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं? अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें क्या कहा गया है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेची, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। क्रय मूल्य उसके लाभ का कितने प्रतिशत होगा? आप ये माने, माना उसने वो वस्तु 100 रुपये में बेची है। कितने में बेची है? 100 रुपये में, है ना। पर 20% उसे लाभ हो रहा है। 100 रुपये में बेचने पे कह रहा मुझे 20% लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु होगी कितने की? 80 की होगी। ठीक है, अब उसने दोनों चीज़ कितनी कम करी है? 10%। तो 100 का 10% तो 10, तो अब विक्रय कितना है? 90 है। और इसका 10% 8, तो अब लागत कितना है? 72 है। ठीक, अब विक्रय 90 और अब किराया 72 है। तो अब ये आपसे बूझ क्या रहा है? तो किराय मूल्य उसके लाभ का प्रतिशत बोल रहा है, किराय मूल्य पर। तो लाभ कितने का हो रहा है? 10 में से 2 गया 8, 18 रुपये का लाभ हो रहा है 72 पे। लागत तो 72 ही है, तो 18 चौक 72, तो 1/4 आ गया ये। 1/4 कितना होता है? 25%। तो 25% लाभ हो गया। ठीक है, 184 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 184। इसमें क्या है? एक वस्तु के निर्माण घटकों सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च का अनुपात दिया है। सामग्री का, मजदूरी का और ऊपरी खर्च का। सामग्री, मजदूरी और ऊपरी खर्च, इनका अनुपात दिया है उसने कितने में? 4:3:2 के अनुपात में, 4:3:2 के अनुपात में ये खर्च हुआ है। यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 हो, तो यहाँ मजदूरी कितनी है? 3, और उसके हिसाब उसने मजदूरी कितनी दी है? 45। तो 1 निकालते हैं फिर 15, तो टोटल खर्च निकालते हैं, 4:3:7 और 2, 9 रुपये का खर्च हुआ है। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 15 निम्मा 135, तो उसके कुल 135 रुपये लगे हैं। ठीक, तदनुसार यदि वह वस्तु 180 में बेच रहा, बेच कितने में रहा है? 180 में, और 135 लगे हैं, तो लाभ कितने का? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 3 गया 4, तो 45 का लाभ हो रहा है कितने पे? 135 पे। अब ये इससे कितनी बार कट रहा है? 3 बार, 3×5=15, 3×4=13, तो 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3% लाभ इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 पे आ जाएं। 185 इसमें क्या कहा गया है? रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की कीमत पर खरीदी। 10 साइकिलें हैं और प्रत्येक कितने की है? 500 की, तो ये कितने में पड़ी उसे? 5000 में। ठीक, इससे आगे बढ़ जाएं। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च करे। 2000 रुपये का उसका खर्चा हो गया है। 2000 का उसका क्या हो गया है? खर्चा उसका हो गया है 2000 रुपये का। ठीक है, तो उसे वो साइकिलें कितने में पड़ी हैं? 7000 रुपये में पड़ी हैं। ठीक,
उनमें से 5 साइकिलें प्रत्येक 750 की कीमत पर बेच दी। 5 साइकिलें कितने की बेची हैं, एक साइकिल 750 की, तो 5 कितने की, तो 0 और 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2 और 5 सत्ते 35 और 2 कितना 37, तो 3750 में 5 साइकिलें बेच दी। अब शेष कितनी बची है, 5, क्योंकि टोटल तो 10 थी ना। फिर आगे कह रहा है शेष प्रत्येक 550 की कीमत पर बेच दी, 5 जो हैं 550 की कीमत पर बेच दिए उसने, तो 0 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, तो टोटल कितने में बेची है उसने, 0 0 2 7 14 1 15 3 2 5 और 1 6, तो 6500 रुपये में बेच दी है। और उसका खर्चा आया था इतना लागत, और ये एसपी है, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ क्या हानि हो रही है उसे, क्योंकि खर्चा उसका 7000 का आया है और वो बिकी कितने की हैं, 6500 रुपये की वो बिकी हैं। तो आपसे ये बूझना चाह रहा है तदनुसार लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना है ना, तो हानि ही होगी, लाभ तो होने का नहीं है क्योंकि कम में बिकी हैं। अब कितने कम में बिकी हैं, तो 20 तो ऐसी आ गई हैं, अब 10 में से 5 गए, तो 500 रुपये कम में बिकी हैं बटे लागत, क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि बटे लागत ही आएगा, तो लागत कितना आ रहा है इस पर, 7000 आ रहा है। और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो 50 को 7 से भाग कर ले, तो 7 7 49, तो 7 सही 1/7% इसका आंसर आ जाएगा, हानि आएगा, पर ये आपको ध्यान रखना है 7 सही 1/7% की उसे हानि हुई है। 186 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 186, एक सौ छियासी में क्या है, दो चीजें ए तथा बी क्रम से 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई, यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान ही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना है। जब लाभ बराबर होता है तो परसेंटेजों को ऐसे ही बराबर रख देते हैं, मैंने आपको बताया था, तो 10% बराबर कितना 15%, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, और 5 2 10 और 5 3 15, तो इन्हें अनुपात में ले जाओ, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में होता बता रखा है, जब संख्याएं बराबर में हो, और टोटल जो है इसमें ये कह रहा है ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है, तो श्योर नहीं कह सकते इसे हम, ये 30 और 20 भी हो सकता है, और 300 और 200 भी हो सकता है, और 3000 और 2000 भी हो सकता है, ठीक है, तो इसने ये दे रखा है इसमें, तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। इससे आगे 187 पर आ जाएं, यदि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा 15 पुस्तकों में। अब देखो खरीदी तो गई 150 से 300 के बीच, तो जब भी हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है, कम से कम में खरीदें, तो 150 से 150 के बीच की बात कर रहा है ये, 150 से 150 तो बराबर ही होता है, 150 से 300 की बात कर रहा है खरीदने में, तो हमने ये मान लिया उसने 150 में खरीद लिया, और बेचने की अगर हमें बेचना हो कुछ भी कोई भी वस्तु, तो हमारी कोशिश क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा में बेचें, तो इसमें खरीदने वाला में से तो छोटा वाला लेंगे और बेचने वाले में से बड़ा, तो बेच रहा है 250 से 350 तक, तो 350 में मान गया, तो कितने का लाभ हो रहा है इसे, 0 0 200 का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर, वो 15 पे बोल रहा है, तो 15 से गुणा कर दें, तो जब आप इसमें 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। इससे आगे आ जाएं 188 पे, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है, दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है, कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करता है 20% का, 188। अब यहाँ विक्रय मूल्य है 9, और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के,
ठीक, और बराबर रखने के बाद एक निकाल के 100 पे लागत आ जाती है, तो आप लागत निकाल लेते। ये तो हो गया एक, और लागत 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 20 छिंग 120 और 20 पंजे 100, तो 5 नि 45 बटे 6, तो 6 से आप इसे डिवाइड कर लें, तो 6 सत्ते 42, बचे कितने 3, हो गए 30, और 6 पंजे 30। तो उस ये जो एक लीटर नौ में बेक रहा है ना दुपानी मिला के, उसकी लागत इतनी है 7.5। तो लागत से मतलब ये है कि इस एक लीटर में 7.5 रुपये का तो है दूध, 7.5 रुपये का क्या है दूध है, और दूसरा जो फालतू है ये 7.5 से 9 रुपये में बेच रहा है ये, तो कितना फालतू है, है? कितना फालतू है ये, देखो 9 और ये 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 7 गया तो 1, तो 1.5 का इसमें क्या है ये फिर पानी है, ये 1.5 का इसमें क्या है पानी है 7.5 इसकी लागत आ गई, पर ये अनुपात बूझ रहा है ना, तो अनुपात तो फिर इसमें मिश्रण लगाना होगा, क्या लगाना होगा, मिश्रण का क्वेश्चन है ये, पता नहीं इसने यहाँ पे क्यों दे दिया, तो इसकी लागत तो 7.5 है। अब देखो मिश्रण कैसे लगेगा, मैं आपको बता दूँ इंग्लिश से, एक तरफ तो लिखेंगे दूध और एक तरफ लिखेंगे पानी। अब दूध कितने का रेट का 10 रुपये का, और पानी का कोई रेट नहीं होता, और ये बीच में लागत आ जाएगी बस, तो इसका इसका डिफरेंस तो यहाँ आ जाएगा और इसका इसका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 0.5 से 0.25, 75 और 25 × 25, तो वो अनुपात बोल रहा दूध और पानी का, तो यही आंसर आ जाएगा 3:1। अब 189 पे आ जाए, यदि किसी निर्माण का लाभांश 10%, किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15% तथा फुटकर विक्रेता का 25% हो, तो उस वस्तु पर जिसका फुटकर मूल्य 1665 हो, तो उसका उत्पादन मूल्य कितना होगा। आप इसे ऐसे करें, ये मान लें उसका उत्पादन मूल्य जो है माना x है, उत्पादन मूल्य कितना है x है, अब इसमें जो है थोक का लाभांश कितना है 10, तो लाभ को तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 110% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा परसेंटेज, और इससे आगे वाले का लाभांश कितना है 15% है, तो 115% और हटाने के लिए बटे में 100, और इससे जो आगे है उसका लाभांश कितना 25%, तो 125% हटाने के लिए बटे में 100, और इसका फिर कितना दिया है इसने आपको, उसका फुटकर मूल्य कितना है 12.65 है, 12.65 उसका फुटकर मूल्य है, तो उसका उत्पादन मूल्य बूझ रहा है, तो इसे आप सोल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं कैलकुलेशन करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये 800 आ जाएगा, x बराबर 800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, इसे खत्म ही कर देते हैं आज चैप्टर को, 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 189 पर आ जाए, इससे आगे फिर आपका बट्टा चलेगा डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 189 पर आ जाए, 89 तो हो गया है, 190 पर आ जाए, 190 क्वेश्चन नंबर 190, इसमें क्या कहा गया है, एक वस्तु की नगद खरीद का मूल्य 12,500 है, अगर नगद खरीदते हैं तो 12,500 में मिल जाएगी, उसे एक वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 देकर खरीदनी होगी, है ना, इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा। आप ये मान लें अगर उसे स्टार्टिंग में हम खरीद रहे थे तो 100 रुपये की थी, पर एक साल के बाद 10% का ब्याज तो कितने में 110 में वो पड़ रही थी हमारे अकॉर्डिंग, और किताब वाले के अकॉर्डिंग कितने में पड़ रही है 14,300 में पड़ रही है, 14,300 में, तो 0 से 0 गया, अब 11 से भाग करें, 11 × 11 बचे 3 × 11 = 33, तो ये कितना हो गया है 130, तो 100 निकाल लें इस पर, तो इसका जो स्टार्टिंग का है वो आ जाएगा, तो जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ चुका 13,000, और ये एक पहले में कितने में बेच रहा था 12,500 में बेच रहा था नगद में, तो इसे इसमें से घटा दे तो लाभ आ जाएगा 12,500, तो 0 0 10 में से 5 गया 5, तो 500 रुपये ही इसका जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा 2 में से 0, तो 500 रुपये इसका लाभ आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब 191 तो क्वेश्चन पहले बता चुके हैं,
बेईमानी वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बेईमानी वाला। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था, वैसे कितना कम तोला बटे कितना तोला गुणा 100। ठीक है, तो ये कह रहा है एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता, परंतु एक किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 के स्थान पर 900 तोल रहा है, तो कितना कम तोल रहा है? 100 ग्राम कम तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है? 100 ग्राम, पर कितना तोल रहा है? 900 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि 1/9 कितने परसेंट होता है? 11 से ही 1/9% होता है। ठीक है, या आप यहाँ 100 से गुणा कर लें तो 100 होके यही आएगा। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 192 क्वेश्चन नंबर 192 पर आ जाएं। इसने कहा है एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। सेब केला और अमरूद हैं, सेब केला और अमरूद। ठीक है, तो केले की कीमत जो है अमरूद से 25% कम है, तो अमरूद की कीमत आप 100 माने, तो 100 का 25% तो 25 कम कर दें तो ये हो गया 75 आपका हो जाएगा। और सेब में केले में क्या है, एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है, तो 75 का डबल कितना हो जाएगा? 150। तो ये है, तो आप इसे पहले कैंसिल कर लें 25 से, 25 छिक्का 150, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये इनकी कीमतों का अनुपात है। अब इसने क्या कहा है, यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 केले 2 सेब और 3 अमरूद। 4 तो केले, 2 सेब और 3 अमरूद, ये गुणा कर लें, तो 2 छिक्का 12 है, 3 चौक 12 है और 4 किया 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये टोटल जो लागत है ये कितनी हो जाएगी, जो के 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36। पर ये कह रहा हर फल की कीमत 10% बढ़ा दी जाए, तो टोटल कीमत को आप 10% बढ़ा दो, तो इसका जब 10% निकालेंगे तो 3.6 आ जाएगा, तो कितने की वृद्धि होगी? 3.6 की वृद्धि होगी। कहाँ से? 36 से। 3.6 की वृद्धि कहाँ से होगी? 36 से। परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, इस दशमलव से ये 0 कैंसिल और 36 एकदम 36, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 193 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 193। अब 193 में क्या है, एक आदमी को अपने धन का 20 से ही 1/2% का नुकसान हुआ। 20 से ही 1/2% का नुकसान, तो 20 दूनी 40 और 41/2%, और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो 200 हो गया। ठीक है, अब ये परसेंटेज किसकी थी? नुकसान की थी, है ना। तो परसेंटेज को अगर भिन्न में ले जाएं, ये भिन्न हो गया, तो ऊपर वाला वो होता है जिसकी परसेंटेज है, वो कह रहा 20 से ही 1/2% का नुकसान हुआ, तो नुकसान कितने का हुआ है? 41 का हुआ, और वस्तु कितने की थी? 200 की, तो बचा कितना अब शेष? इसे इसमें से घटा दें, तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 4 गए 5, तो 159 बचे हैं शेष। शेष कितने बचे हैं? 159। फिर इसने क्या कहा, और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 बचे। शेष ये है 159 का 80% खर्च करने के बाद कितना बचा है? 59 बचा है। अच्छा, 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 20%, तो आप 20% निकाल दें इसका, 20%, तो वो कितना आ जाएगा? करना क्या है, 10% निकाल दें, 10% तो 15.9 हो जाएगा, तो 20% इसका डबल, 2 × 18, 2 × 5 = 10, 11, 2 × 1 = 2, 3, तो 31.8% बचा हमारे अकॉर्डिंग, जबकि किताब वाले के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है? 159 बच रहा है, 159। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, और एक निकालने के बाद क्या निकालेंगे? जो आपसे पूछा गया है, तो ये पूछ रहा है शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, तो शुरू में तो उसके पास 200 रुपये थे, तो एक निकाल के 200 निकालना होगा, तो यहाँ को लिख लेते हैं इसे, एक निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, और फिर जो निकालना उसकी गुणा, तो शुरू में बोला तो शुरू में 200 थे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1-0 और बढ़ जाएगी, तो ये इसका डबल ही तो है, 2 × 18, 2 × 5 = 10, 11, 2 × 2 = 3, तो इससे कितनी बार घटा है? ये
दो बार। अब दो से ये कितनी बार कट जाएगा, 1000 बार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया, इसे भी कर देते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 194, तो लागत कीमत का 72%। लागत हमने x मान ली, तो x का 72%, परसेंट हटाने को बटे में से माइनस है, माइनस लागत कीमत के 9% का, तो लागत x के 9% हटाने के लिए बटे में 100 का 8% हटाने के लिए बटे में फिर से। ठीक है, किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप इसे सोल्व कर लें जरा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10000। कितना होगा 10000 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2, तो 100 की गुणा हो जाएगी, तो इधर तो हो गया 7200x, और इधर तो गुणा होने के लिए 9 के 72x। ठीक है, तो 7200 में से आप 72 को जब घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ कितना बचा ही। ठीक, तो ये सोल होके जो आपका बचा है 7128x बटे 10000। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई है, पर ये बूझ क्या रहा है, लागत किसी वस्तु की लागत कितने प्रतिशत के बराबर है। तो भैया इसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो परसेंटेज लागत पर निकलेगा, तो लागत कितनी मानी थी x, तो बटे में तो क्या जाएगा x, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 यहाँ हो जाएगा, इसके बटे में 1 माने तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये जो ये है ये यहाँ आ जाएगा घूम के, तो ये हो जाएगा 7128x बटे 10000x गुणा 100। एक्स से एक्स गया, 1 2 0 से 2 0, जो 100 से भाग करेंगे दो स्थान पे पॉइंट, तो 71.28% इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो लाभ हानि वाला चैप्टर है, 7 क्लास में आपका ख़त्म हो चुका है। देखो आज की क्लास में टोटल क्वेश्चन विविध के थे, तो विविध के क्वेश्चन तो थोड़े टफ ही होते हैं, पर अगर आज की क्लास से पहले के आप क्वेश्चन देखना तो ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए, और अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे का जो चैप्टर है बट्टा डिस्काउंट, वो आपको आगे की वीडियो में कल मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।